नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट विद विकी ग्रीन में। दोस्तों आपकी सेवा में फिर हाजिर हैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक नया वीडियो लेकर, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पहले पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। साथ ही आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो का। पहला प्रश्न है, बिल गेट्स एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से चेंज मेकर पुरस्कार जीतने वाली पायल जांगिड़ राजस्थान से के किस जिले से है? तो पायल जांगिड़ अलवर जिले से है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ये कालीबंगा सभ्यता ही है। राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए? ये अनूपगढ़ और नवलखा डेरा में प्राप्त हुए। शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है, कहाँ से प्राप्त हुई? ये नगर नैनवा टोंक जिले से प्राप्त हुई। वह कौन सा स्थान है जहाँ ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु कपीश्वरणी मृदपात्र ताम्रयुगीन होने के प्रमाण है? ये नौह है, भरतपुर जिले में। सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेदशाला का निर्माण करवाया था? सवाई जयसिंह ने दिल्ली, बनारस, मथुरा, जयपुर, इन सभी जगहों पर वेदशाला का निर्माण करवाया था। जय निवास महल जो आमेर में है का जयसिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण करवाया गया? ये सन 1725 में करवाया गया। आमेर के कछवाहा शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश तिलक पुकारा गया है? ये आमेर के शिलालेख में पुकारा गया है। जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सरबुंद राय और रामराज की उपाधियों से विभूषित किया था? ये राव रतन सिंह को किया था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था जिसे सांबर झील का प्रवर्तक माना जाता है? ये वासुदेव था। तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ, किसकी विजय हुई? इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ये अजयराज चौहान द्वारा की गई थी। सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव था, जिसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? ये बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ थे। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये ग्रवक ने करवाया था। हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है? ये वाकपति राज प्रथम को किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर कब निर्णायक आक्रमण किया? ये 1311 ईस्वी में किया। अलाउद्दीन ने शिवाना के किले को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रखा? उसने इसका नाम खैराबाद कर दिया था। राणा कुंभा ने 1452 ईस्वी में अचलगढ़ दुर्ग कहाँ बनवाया था? ये सिरोही में बनवाया था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? ये राणा राव सिंह और अलाउद्दीन के बीच में हुआ। चित्तौड़ में तीन शाक्य हुए जिनका युग्म नीचे दिया जा रहा है, कौन सा सही है? अलाउद्दीन खिलजी 1303, बहादुर शाह गुजरात 1534, अकबर 1568, उपर्युक्त सभी। तो ये ऊपर के सभी सही हैं। साका सामूहिक अपने आप को महिलाओं द्वारा अग्नि को समर्पित किया जाता उसको कहते हैं। मेवाड़ के शासक किस वंश के थे? ये गुहिल वंश के थे। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, सभ्यता के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित हैं? ये घग्गर नदी के तट पर स्थित हैं। चौहान साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ये अजय राज को माना जाता है। अर्णोराज की हत्या किसने की थी? ये जगदेव ने की थी। बीसलसर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? ये विग्रहराज ने करवाया था, उसे बिसलदेव भी कहते हैं। सपादलक्ष का स्वर्ण युग किस शासक का काल कहा जाता है? ये विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसलदेव को ही कहा जाता है। किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए मोरजारी गांव अनुदान में दिया? ये पृथ्वीराज द्वितीय ने दिया। पृथ्वीराज की प्रारंभिक कठिनाइयों के काल में किसने मदद की थी? ये
भुवनदास ने की थी। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? यह चौहान और तुर्कों के मध्य हुआ। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये गोविंदराज प्रथम था। रणथंभौर के चौहान शासकों में सबसे प्रतिभाशाली शासक कौन था? ये हमीर चौहान था। मंगोल विद्रोही किसके नेतृत्व में जालौर से भागकर हमीर की शरण में आ गए थे? ये उलूग खान के नेतृत्व में आए थे। हमीर के दरबार में राज्य सम्मानित दरबारी कवि कौन था? ये विजयादित्य था। कृष्ण लीला चित्रित गुप्तकालीन शिला फलकों के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये मंडोर से प्राप्त हुए हैं, जो जोधपुर के पास है। अब तक साल बाजिका की प्रस्तर प्रतिमाएं ही मिलती थी। राज्य के किस स्थान से प्राप्त मिट्टी के बर्तन पर साल बाजिका का अंकन है? ये नाडोल पाली जिले में है। राजस्थान में गुप्त नरेशों की सबसे बड़ी निधि जिसमें 1821 स्वर्ण सिक्के थे कहाँ मिली है? ये बयाना में मिली है, जो भरतपुर जिले में है। किस गुप्तकालीन सम्राट ने राज्य के माव योद्धा अनुमनामन आमेर आदि को हराकर अपने अधिकार में ले लिया? ये समुद्रगुप्त ने लिया था। अजेकापाद की दुर्लभ मूर्तियां कहाँ से मिली? रंग महल की थड़ी से मिली। भीनमाल जो जालौर जिले में है, में कौन सा चीनी यात्री यात्रा हेतु आया था? ये ह्वेनसांग आया था। जून 1986 में जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये बरबाला से प्राप्त हुई थी, जो पाली जिले में है। खड़िया मिट्टी के बने विष्णु फलक, गोवर्धन फलक, अजेकापाद, चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए? ये रंग महल से प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। उदय सिंह ने भटियाणी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया था? पृथ्वीराज को बनाया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप ने 1576 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? ये चावंड को बनाया था। रागमाला का चित्रकार कौन था? रागमाल का चित्रकार नसीरुद्दीन था। महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम के बीच संधि कब हुई? ये 5 फरवरी 1615 को हुई। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु होली के दिन हुई। तो इसके साथ ही 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज खत्म हुई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।